नमस्कार, आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में अर्चना कोंडे जी का ऑडियो फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि 38 इयर्स की है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। इनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम पिछले 4 साल से था, जिसकी वजह से इन्हें शोर चुभता था, नींद आने में दिक्कत होती थी, कान में भारीपन होता था और ध्यान देने में दिक्कत थी। इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया और हमसे ट्रीटमेंट लेने के बाद अब इन्हें 100% आराम है। आइए इनका ऑडियो फीडबैक बहुत ध्यान से सुनते हैं और टिनाइटिस का जो नहीं जानते हैं। अर्चना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना ऑडियो फीडबैक देने के लिए। हाँ मैम, आपकी उम्र कितनी है? 38। आप कहाँ के रहने वाले हैं मैम? महाराष्ट्र पुणे विलेज से। ओके, आपको मैम टिनाइटिस का प्रॉब्लम कब से था? अभी 4 इयर्स हुए। ओके, तो कुछ आइडिया है ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुआ आपको? मेरा कान का ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन से पहले ही टिनेटिस शुरू हुआ था मुझे। ओके, तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते थे? बहुत चक्कर आती थी, बाहर जाना भी मुझे, अकेले में नहीं जा सकती थी और ऐसे लगता था सारा हिल रहा है। अच्छा, और अब अलग अलग तरह की आवाज आती थी। ओके, रात को नींद भी नहीं आती थी। ओके, तो आपको जब आपने प्रॉब्लम हुआ अगर डॉक्टर्स को दिखाया होगा तो डॉक्टर्स क्या बोलते थे आपको? हाँ, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया मैंने, मास्कर भी लिया था और उससे कुछ नहीं हुआ। ओके, तो आपने जब हमारा ट्रीटमेंट शुरू किया तो आपको कितने टाइम में आराम आना चालू हुआ और किन चीजों में आना चालू हुआ? आराम मुझे लगभग 1 साल बाद ही आना शुरू। वैसे तो थेरेपी लेती थी ना, आवाज कम आती थी। अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं अब पूछूं तो अब मेरे ट्रीटमेंट से कितना परसेंट आराम है आपको? 100% है। अब आपको 100% आराम है। आपकी लाइफ पहले जैसी बेटर हो चुकी है जैसे टिनाइटिस से पहले थी? हाँ हाँ, मैं अभी अकेले जाती हूँ बाहर। ओके, और चक्कर का भी प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी आती है। ठीक है मैम। मैम, जैसे आपको पता आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है बट उन्हें नहीं पता कहाँ जाएं, कहाँ दिखाएं, तो आप अपने जर्नी से उन्हें गाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए जब ये प्रॉब्लम उनको हो तो? टिनाइटिस ट्रीटमेंट का ये थेरेपी लेनी चाहिए। ओके, गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे बहुत आपने फीडबैक डाले है ना, उससे भी मदद होगी। ओके मैम, मेरे ट्रीटमेंट से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ आपको? नहीं, एक भी नहीं कुछ मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। क्या मैं आपका ये ऑडियो फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? थैंक यू मैम।